नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक सतह के रियाजी के प्रोग्राम्स के सिलसिले में हमारा आज का प्रोग्राम मैट्रिसेस यानी कालिबों से मुतालिक है। आज हम आपको मैट्रिसेस के कवायद और ज़वाबित और उनकी अकसाम के अलावा मैट्रिसेस को जमा, तफरीक और ज़रब करने के बारे में बताएंगे। आज के प्रोग्राम में हम मैट्रिसेस की मदद से लीनियर इक्वेशंस यानी यक दर्जी हमजाद मसावातों के हल निकालना भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मैट्रिक्स से क्या मुराद है। नाज़रीन, मैट्रिक्स से मुराद मुस्ततीली शक्ल के ऐसे टेबल्स हैं जिनके अरकान को बिग स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी बड़े खतूत वहदानी में एक ख़ास तरतीब से रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिखा जाता है। इसको समझने के लिए आइए पहले आम जिंदगी की चंद मिसालें देखते हैं। बच्चे स्कूल में पीटी करते वक्त एक खास तरतीब से रोज और कॉलम्स की शक्ल में खड़े होते हैं। इसी तरह क्लासरूम में लेक्चर के दौरान और असेंबली में भी रोज और कॉलम्स शक्ल में खड़े होते हैं। अक्सर शहरों और देहातों में बहुत से लोगों को फूल लगाने का शौक होता है। अगर आप गौर करें तो इसमें आपको बहुत सी कतारें नजर आएंगी। इसके अलावा मौजूदा जदीद ज़राअत में फसलों को भी कतारों और कलमों में बोया जाता है। मैट्रिसेस का तस्वीर भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैट्रिसेस में भी हम आदात को एक ख़ास तरतीब से रोज़ यानी कतारों और कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं। मैट्रिसेस की रोज़ और कॉलम्स को जानने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये दो मैट्रिसेस लेते हैं। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में ये ब्लू ब्लॉक्स और रेड ब्लॉक्स इस मैट्रिक्स के रोज़ बनाते हैं। इसी तरह यहाँ ये येलो ब्लॉक्स और ग्रीन ब्लॉक्स इस मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं। इसी तरह अगर हम ये मैट्रिक्स ए लेते हैं तो इसके रोज़ के अरकान ए बी और सी डी हैं और इस मैट्रिक्स बी के कॉलम्स के अरकान ई जी और एफ एच हैं। नाज़रीन, मैट्रिसेस का नज़रिया बरतानिया के मैथमेटिशियंस आर्थर केले और जेम्स सिल्वेस्टर ने 1858 ईस्वी में पेश किया। उनके ख्याल के मुताबिक मैट्रिसेस की मदद से किसी भी टेबल को मुख्तसर करके यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में पेश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप कुछ चीज़ें खरीदने बाज़ार जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक दुकान से दो किताबें और चार पेंसिलें खरीदते हैं और किसी दूसरी दुकान से तीन किताबें और छह पेंसिलें। अगर हम इन चीज़ों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरह होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि दुकान नंबर एक से आपने दो किताबें और चार पेंसिलें खरीदी और दुकान नंबर दो से तीन किताबें और छह पेंसिलें। अगर हम इसके रिज़ल्ट को ए का नाम दें तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी, यानी मैट्रिक्स ए के अरकान होंगे चार, दो, छः और तीन। आम तौर पर हम किसी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स से और उसके अरकान को स्मॉल लेटर्स से ज़ाहिर करते हैं। मैट्रिसेस के अरकान को हमेशा इन बिग स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी बड़े खतूत वहदानी के दरमियान लिखा जाता है। नाज़रीन, मैट्रिसेस की फॉर्म को जानने के बाद अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कालबों के मरतबे के बारे में बात करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद एम है और उसके कॉलम्स की तादाद एन है, तो फिर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी मरतबा एम क्रॉस एन होगा। यहाँ हम आपको ये बात बता दें कि यहाँ एम क्रॉस एन से मुराद एम और एन का हासिल रिज़र्व हरगिज़ नहीं, बल्कि
एम और एन किसी मैट्रिक्स के बेतरतीब रोज और कॉलम्स की तादाद है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये मैट्रिक्स ए लें जिसके दो रोज और दो कॉलम्स हैं, तो इस सूरत में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होगा। इसी तरह अगर हम ये मैट्रिक्स लें बी जिसमें दो रोज और एक कॉलम है, तो इस सूरत में इसका ऑर्डर 2x1 होगा। और इस मैट्रिक्स सी जिसमें एक रो और दो कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर 1x2 होगा। यहाँ मैट्रिक्स बी को कॉलम मैट्रिक्स और सी को रो मैट्रिक्स कहते हैं। नाज़रीन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कालिबों के मरतबे को जानने के बाद अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बे कालिब के बारे में आपको बताते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स की तादाद बाहम बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए इसके सिलसिले में एक मिसाल देखते हैं। फैसल मस्जिद के ये चारों मीनार मिलकर दो रोज़ और दो कॉलम्स बना रहे हैं। इस तरह ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनी। रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल देखने के बाद अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में रियाजी की चंद मिसालें देखते हैं। यहाँ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2x2 है क्योंकि इसके दो रोज और दो कॉलम हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी में तीन रोज और तीन कॉलम हैं। इस तरह इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3x3 हुआ। तो ये मैट्रिसेस ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हुई। इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततीली कालिब कहलाती है। मसलन ये दोनों मैट्रिसेस पी और क्यू रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। यहाँ पी का ऑर्डर 1x2 है क्योंकि पी में एक रो और दो कॉलम है। इसी तरह क्यू में तीन रोज और दो कॉलम है, तो फिर क्यू का ऑर्डर 3x2 हुआ। नाज़रीन, स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को जानने के बाद अब हम आपको मैट्रिसेस की दो और किस्मों ज़ीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का हर रुकन सिफर हो तो इसे ज़ीरो मैट्रिक्स या सिफर कालिब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये मैट्रिक्स लें ज़ीरो जिसमें सिर्फ एक रुकन है, तो इसका ऑर्डर 1x1 होगा क्योंकि इसमें एक रो और एक कॉलम है। इसी तरह इस मैट्रिक्स ज़ीरो के दो रोज और दो कॉलम्स हैं। इस सूरत में इस मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 हुआ। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगनल यानी वतर के अरकान 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ज़ाती कालिब कहते हैं। ज़ाती कालिब को आमतौर पर आई से डिनोट करते हैं। मसलन अगर हम ये मैट्रिक्स आई लें जिसके अरकान 1, 0 और 0, 1 है, तो चूंकि इसके डायगनल में 1 और बाकी दोनों 0 हैं, इस तरह ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर हमेशा n x n होते हैं, यानी इनके रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। नाज़रीन, अब हम आपको दो मैट्रिसेस के मसावी होने के बारे में बताते हैं। कोई से दो मैट्रिसेस ए और बी सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में इक्वल मैट्रिसेस यानी मसावी कालिब कहलाते हैं अगर उनके ऑर्डर्स बराबर हों और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हों। मिसाल के तौर पर अगर हम ये दो मैट्रिसेस ए और बी लें,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए का ऑर्डर भी 2x2 है और बी का ऑर्डर भी 2x2। इसी तरह ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट के बराबर है, तो इस सूरत में ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिसेस हुए। नाज़रीन, इक्वल मैट्रिसेस यानी मसावी कालबों को जानने के बाद अब हम मैट्रिसेस की जमा, तफरीक और उनके ज़रब के बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कालबों की जमा के बारे में बात करते हैं। कोई से दो मैट्रिसेस को सिर्फ उसी सूरत में जमा किया जा सकता है जबकि उनके ऑर्डर्स बराबर हों। फर्स्ट कीजिए कि हम ये दो मैट्रिसेस ए और बी लेते हैं। अब हम इन दोनों को जमा करते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करने के लिए हम पहली मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को दूसरी मैट्रिक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जमा करते हैं, यानी हम मैट्रिक्स ए का पहला रुकन मैट्रिक्स बी के पहले रुकन में जमा करेंगे। इसी तरह मैट्रिक्स ए का दूसरा रुकन मैट्रिक्स बी के दूसरे रुकन में जमा होगा और मैट्रिक्स ए का तीसरा रुकन इस मैट्रिक्स बी के तीसरे रुकन से जमा करेंगे। इसी तरह यहाँ इस मैट्रिक्स का चौथा रुकन दूसरी मैट्रिक्स बी के चौथे रुकन में जमा होगा। इस तरह अब हमें ये मैट्रिक्स ए प्लस बी मिली। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी का ऑर्डर भी 2x2 ही है, यानी इसमें दो रोज और दो कॉलम्स हैं। आइए नाज़रीन, अब हम मैट्रिसेस की जमा के बारे में रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक मिसाल देखते हैं। फर्ज कीजिए कि आमिर और सुहेल फ्रूट खरीदने बाज़ार गए। आमिर ने दुकान नंबर 1 से 6 केले और 12 माल्टे खरीदे और दुकान नंबर 2 से 4 केले और 6 माल्टे। इसी तरह सुहेल ने भी दुकान नंबर 1 से 8 केले और 8 माल्टे खरीदे और दुकान नंबर 2 से सिर्फ 12 माल्टे। अब हम इन दोनों के रिजल्ट्स को यूं दर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है, तो इस सूरत में आमिर ने दुकान नंबर 1 से 12 माल्टे और 6 केले खरीदे और दुकान नंबर 2 से 6 माल्टे और 4 केले। इसी तरह इस मैट्रिक्स को हम बी कहते हैं, तो फिर इस सूरत में सुहेल ने दुकान नंबर 1 से 8 माल्टे और 8 केले खरीदे और दुकान नंबर 2 से 12 माल्टे और 0 केले। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस ए और बी को जमा करते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स ए प्लस बी मिलती है, यानी ए प्लस बी ये मैट्रिक्स है जिसमें दुकान नंबर 1 से ख़रीदे गए माल्टों की तादाद 12x8 और केलों की तादाद 6x8 है। इसी तरह दुकान नंबर 2 से ख़रीदे गए माल्टों की तादाद 6x12 है और केलों की तादाद 4x0। तो इस सूरत में हमें ये मैट्रिक्स मिली जिसके अरकान 14, 20, 4 और 18 हैं। नाज़रीन, ये तो था कोई से दो 2x2 मैट्रिसेस को जमा करने का तरीका। आइए अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी कालबों की तफरीक के बारे में जानते हैं। फर्ज कीजिए कि हम कोई से दो मैट्रिसेस ए और बी लेते हैं, तो इस सूरत में ए माइनस बी ये मैट्रिक्स होगी जिसका हर एलिमेंट ए के और ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हासिली तफरीक होगा, यानी 1-0, 2-1, 5-2 और 4-3। यानी इस सूरत में हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी 1, 1, 3 और 1। मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जमा और तफरीक जानने के बाद अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कालबों के हासिले ज़रब के बारे में बात करते हैं।
आइए पहले इस सिलसिले में एक मिसाल देखते हैं। आमतौर पर पेट्रोल पंप्स पर दो किस्म का पेट्रोल मिलता है, सुपर और रेगुलर। फर्ज कीजिए कि सुपर की कीमत 12 रुपए फी लीटर और रेगुलर की कीमत 10 रुपए फी लीटर है। इन दोनों ब्रांड्स की कीमतों को हम एक मैट्रिक्स की शक्ल में यूं लिखेंगे, यानी मैट्रिक्स ए है जहां सुपर की कीमत 12 रुपए और रेगुलर की कीमत 10 रुपए फी लीटर है। फर्ज कीजिए कि एक्स और वाई दो पेट्रोल पंप्स हैं जिनका हमें मालूम है कि उन्होंने कितने लीटर्स पेट्रोल बेचा। इसे हम मैट्रिक्स बी से जाहिर करते हैं, यानी एक्स पेट्रोल पंप ने 300 लीटर सुपर और 200 लीटर रेगुलर बेचा। इसी तरह वाई पेट्रोल पंप ने 350 लीटर सुपर और 150 लीटर रेगुलर बेचा। आइए अब हम इन दोनों पेट्रोल पंप्स की कुल आमदनी मालूम करते हैं। इसके लिए हम ए को बी से ज़रब देते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलती है, जिसमें हम पहले 12 को 300 से ज़रब देंगे इस तरह, और 10 को 200 से, और फिर इसके हासिल को जमा करते हैं। इसी तरह फिर हम 12 को 350 से ज़रब देते हैं और 10 को 150 से, और इनके हासिल को जमा करते हैं। तो इस सूरत में हमें ये मैट्रिक्स मिलती है जिसके अरकान ये हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक्स पेट्रोल पंप की कुल आमदनी 5600 और वाई पेट्रोल पंप की कुल आमदनी 5700 बनी। अब हम मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर मालूम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए में एक रो और दो कॉलम्स हैं, तो इस सूरत में इसका ऑर्डर 1:2 हुआ। इसी तरह मैट्रिक्स बी में दो रोज और दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2:2 होगा, जबकि मैट्रिक्स ए बी में एक रो और दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 1:2 हुआ। दूसरी सूरत में अगर ए मैट्रिक्स के रोज की तादाद 1 और बी मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद 2 है, तो ए बी मैट्रिक्स के ऑर्डर 1:2 होगा। नाज़रीन, इस मिसाल से हमें ये मालूम हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फर्ज कीजिए m×n हो और किसी दूसरी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n×p हो, तो उनके हासिल ज़रब मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर m×p होगा। यहाँ ये बात याद रखिए कि हम कोई से दो मैट्रिक्स को सिर्फ उसी सूरत में ज़रब दे सकते हैं जबकि पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए के कॉलम की तादाद n और मैट्रिक्स बी के रोज की तादाद भी n है, तो फिर हम ए और बी को ज़रब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये दो मैट्रिसेस लें ए और बी, तो यहाँ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2:1 है जबकि बी का ऑर्डर 2:2 है। तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के कॉलम की तादाद मैट्रिक्स बी के रोज के बराबर नहीं है, तो इस सूरत में हम ए बी नहीं मालूम कर सकते। लेकिन चूंकि मैट्रिक्स बी के कॉलम की तादाद मैट्रिक्स ए के रोज की तादाद के बराबर है, तो फिर हम बी ए मालूम कर सकते हैं। यहाँ आप ये बात याद रखिए कि आम तौर पर ए बी और बी ए गैर मसावी होते हैं। नाज़रीन,
میٹریسز کی مختلف اقسام کو جاننے کے بعد اب ہم ڈٹرمننٹ آف اے میٹرکس یعنی قالبوں کے مقطے کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ ہم یہ میٹرکس اے لیتے ہیں. اس میٹرکس کے ڈٹرمننٹ کو ہم اے موڈ سے ظاہر کرتے ہیں, یعنی اے موڈ برابر ہے ڈٹرمننٹ اے بی سی ڈی کی. اس کی قیمت ہم یوں معلوم کرتے ہیں, پہلے ہم اے کو ڈی سے ضرب دیتے ہیں اور بی کو سی سے, پھر ان دونوں کے حاصل کو منفی کرتے ہیں تو ہمیں اے موڈ کی قیمت معلوم ہوتی ہے. ناظرین, ڈٹرمننس کا نظریہ ایک فرینچ میتھمیٹیشین کوشی اور جرمن میتھمیٹیشین جیکوبی نے پیش کیا. اس کے بعد لیگرینج, کریمر اور لیبنیز نے اس پر کافی کام کیا. انہوں نے لینئر ایکویشنز کے حل نکالنے کے لیے ڈٹرمننس کو استعمال کیا. آئیے ڈٹرمننس کے بارے میں چند مثالیں دیکھتے ہیں. فرض کیجئے کہ ہم یہ اسکوئر میٹرکس اے لیتے ہیں جس کے ایلیمنٹس ہیں 2, 4, 3 اور 1. اب ہم اس کا ڈٹرمننٹ معلوم کرتے ہیں, یعنی اے موڈ برابر ہوگا 2 × 1 مائنس 4 × 3 یعنی 2 − 12 جو کہ برابر ہے -10 کے. یہاں آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ کسی اسکوائر میٹرکس اے کا ڈٹرمننٹ ہمیشہ ایک حقیقی عدد ہوتا ہے. ناظرین, ڈٹرمننٹس کو جاننے کے بعد اب ہم سنگولر اینڈ نان سنگولر میٹریسز یعنی نادر اور غیر نادر قالبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ اے کوئی سا اسکوائر میٹرکس ہے جس کا آرڈر n کراس n ہے. تو اگر ڈٹرمننٹ آف اے 0 کے برابر ہو تو اس صورت میں میٹرکس اے سنگولر میٹرکس یعنی نادر میٹرکس کہلاتی ہے. اسی طرح اگر ڈٹرمننٹ آف اے غیر 0 ہو تو پھر میٹرکس اے نان سنگولر میٹرکس یعنی غیر نادر میٹرکس کہلاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ میٹرکس اے لیتے ہیں جس کے ارکان یہ ہیں 2, 6, 1 اینڈ 3. اب ہم ڈٹرمننٹ آف اے معلوم کرتے ہیں جو کہ اس کے برابر ہے 2 × 3 − 6 × 1 یعنی 6 − 6 جو کہ 0 کے برابر ہے. تو اس صورت میں یہ میٹرکس اے سنگولر میٹرکس یعنی نادر قالب کہلائے گی. سنگولر اور نان سنگولر میٹریسز کو جاننے کے بعد اب ہم ملٹیپلیکیٹیو انورس آف اے میٹرکس یعنی قالب کے ضربی معکوس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ ہم کوئی میٹرکس اے لیتے ہیں, یعنی اے میٹرکس ہے اے بی سی ڈی کا جبکہ اے نان سنگولر ہے. دوسرے لفظوں میں اے موڈ ہے 0 ہے. تو پھر اے کے انورس کو ہم یوں لکھتے ہیں, اے انورس برابر ہے 1 / اے موڈ انٹو ڈی مائنس بی مائنس سی اور اے کے. دوسرے لفظوں میں ہم نے 1 / اے موڈ کو اس میٹرکس سے ملٹیپلائی کیا ہے جس میں ڈی اور اے کی پوزیشنز کو چینج کیا ہے اور بی اور سی کے سائنس کو. تو اس صورت میں ہمیں یہ میٹرکس اے انورس ملتی ہے. یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اے اور اے انورس کا ضرب ہمیشہ آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہوتا ہے. ناظرین, ہم سائمنٹینیس لینئر ایکویشنز یعنی یکدرجی ہمزاد مساواتوں کو میٹریسز کی مدد سے بھی حل کر سکتے ہیں. آئیے اس کی ایک مثال لیتے ہیں. فرض کیجئے کہ ہم یہ دو ایکویشنز لیتے ہیں,
एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव और एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन, इन्हें हम मैट्रिक्स की शक्ल में यूं लिखते हैं। अब हम यहाँ से इन कोफिशेंट्स वन टू वन थ्री की ये मैट्रिक्स ए बनाते हैं। इसी तरह इन वेरिएबल्स एक्स और वाई की ये कॉलम मैट्रिक्स एक्स है और कॉन्स्टेंट्स की ये मैट्रिक्स बी है। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी या एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब चूंकि हमें मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ मालूम है तो फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स की वैल्यू मालूम करते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हम वन ओवर डिटर्मिनेंट ए को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैट्रिक्स हमें मैट्रिक्स ए से मिलती है जिसमें हम वन और थ्री की पोजीशंस चेंज करते हैं और टू और वन के साइंस चेंज करते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है थ्री माइनस टू, यानी थ्री माइनस टू जो के बराबर है वन के। तो इस तरह हमें ए इनवर्स की ये मैट्रिक्स मिलती है। अब हम एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन मिलती है, एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस टू माइनस वन वन इंटू ये कॉलम मैट्रिक्स फाइव सेवन। इन तीनों दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने से हमें एक्स और वाई की ये दो वैल्यूज़ मिलती हैं, एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू टू। नाज़रीन, आज हमने आपको मैट्रिसेस की चंद अकसाम और मैट्रिसेस को जमा, तफरीक और ज़रब करने के बारे में बताया। इसके अलावा हमने मैट्रिसेस की मदद से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना भी बताया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।